ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तालिबान की जीत का जश्न मनाने में बेहद जल्दी कर दी। पिछले 15 दिनों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसे खबरें सामने आई हैं जिसको देखकर लगता है कि तालिबान में अफगानिस्तान में पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। इस तरीके से फंस चुका है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, इससे बाहर निकले तो निकले कैसे। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा, तालिबान को कठपुतलियों की तरह पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और इसका फायदा पूरी दुनिया में पाकिस्तान एज ए डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा और बदले में डॉलर्स की बरसात होगी। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के करीब करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी घटना, एक भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ जिससे देखकर लगे कि पाकिस्तान को इसको इसमें आने वाले दिनों में कुछ फायदा होने वाला है या हुआ है। कैसे, एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं कि कैसे कैसे लगता है कि पाकिस्तान इसमें फंस चुका है। दरअसल पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होगा और चूंकि तालिबान पर पाकिस्तान का कब्जा है तो लिहाजा इस पूरे क्षेत्र में, यहां की जियोपॉलिटिक्स में, यहां की डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की चलेगी और चूंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर है, सबका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है, लिहाजा सबके लिए पाकिस्तान ही वो अहम रोल अदा करेगा कि जिसके बिना पूरी दुनिया का काम शायद नहीं चलेगा। लेकिन 2 महीने पूरे हो चुके हैं, अब तक तालिबान को किसी तरह की रिकॉग्निशन, किसी तरह की पहचान अब तक किसी भी मुल्क ने नहीं दी है। यहां तक कि जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क है, जो मालिक मुल्क है, चीन, टर्की, उन देशों ने भी अब तक तालिबान के लिए कुछ नहीं किया है, ना तो डिप्लोमेटिक स्तर पर किसी तरह की पहचान देने की अब तक कोई कोशिश की है और ना ही डॉलर्स। ऐसे में पाकिस्तान करे तो क्या करे। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सबसे पहले आसानी से, चूंकि दोहा में जो पैक्ट हुआ था यूएस के बीच में और तालिबान के बीच में, उस दोहा पैक्ट के मुताबिक इसको लेजिटिमेसी अपने आप मिल जाएगी, चूंकि ये यूएस की तरफ से एक तरह का पैक्ट हुआ था कि तालिबान सत्ता में आएगा और एक तरह से इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन इंक्लूसिव चूंकि नहीं हुआ और लेकिन इसके बावजूद भी एक तरह का उनको एक तरह की लेजिटिमेसी मिल जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। यूएन में जनरल असेंबली का सेशन भी हो चुका है, कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं, 2 महीने बीत चुके हैं। दूसरी उम्मीद ये थी कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पूरी दुनिया को आतंकवाद से दूर रखने के लिए, तालिबान पर कब्जा रख के उनको काबू में रखने के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान से मिन्नतें करेगी और उनको बदले में डॉलर्स देगी, लेकिन अब तक किसी भी मुल्क ने किसी तरह की कोई इमदाद, किसी तरह के कोई ये कहें कि अब तक कोई वायदा तक नहीं किया है कि वो इस मामले में किसी तरह की कोई हेल्प पाकिस्तान की या तालिबान की करेगी। आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जहां पर तालिबान एक कबायली सोच के साथ अफगानिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, ना तो उनको कोई डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, ना ही उनको राज करने का, सत्ता का कोई एक्सपीरियंस है, और जो उनका पावर में रहने का जो तरीका है वो भी करीब करीब 700 साल पुराना है, जो कि आज की बिजनेस वर्ल्ड, आज की ट्रेड वर्ल्ड में कहीं भी नहीं ठहरता। ऐसे में अगर उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, अगर उनको इमदाद नहीं मिलती है, तो एक ऐसे मुल्क जो कि पिछले कई दशकों से इंस्टेबल रहा है, वहां पर हमेशा हिंसा होती रही है, तो उसमें दोबारा से केओस खड़ा होने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली, यानी आसानी से वहां पर फिर से एक क्योटिक सिचुएशन पैदा हो सकती है, जिसका नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान का, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अब कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सीधे सीधे पाकिस्तान होगा और वहां की इंस्टेबिलिटी का, वहां की हिंसा का सीधा असर पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा और पाकिस्तान इसको बेहतर तरीके से जानता है। यही वजह है कि पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आधा दर्जन से ज्यादा अंग्रेजी न्यूज चैनल्स को, मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया है, जिसमें हर एक इंटरव्यू में उसने हर एक पूरी दुनिया से, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड से, यह गुहार लगाई है कि किसी तरह ऊपर वाले के नाम पर
अब तालिबान को एड दे, इमदाद दे, उनको किसी तरह बचाया जाए। उस पूरे इंटरव्यूज का जो मेन मकसद है वो यही रहा है। हाल के 2 दिन पहले मिडल ईस्ट आई एक मीडिया हाउस है जिसका जो फोकस रखता है मिडल ईस्ट एशिया पर, मिडल ईस्ट आई, उसके एडिटर इन चीफ डेविड हर्स्ट और साथ में थे राइटर कॉलमनिस्ट पीटर ओबॉन। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा कि अगर यहां पर यूएस लीड नहीं लेता है तालिबान की मदद करने की, तो आने वाले दिनों में यहां पर जो केओस होगा, जो दिखाई दे रहा है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान को होगा। यानी अब किसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्साइंस को, उसके उसकी आत्मा को जगाने की कोशिश में यहां पर इमरान खान नजर आते हैं। तो ये सिचुएशन है जो कि नजर आती है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान किस तरीके से फंस चुका है। दूसरा बड़ा जो साइन है वो ये है कि तालिबान पर जो पाकिस्तान का कंट्रोल है वो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से कंट्रोल है, लेकिन दरअसल उसकी जो एक छिपा हुआ सच है वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। हमने पिछले कुछ हफ्ते पहले आपने सुना होगा कि किस तरीके से वहां पर मुल्ला बरादर और दूसरे जो तालिबान के ग्रुप हैं, जो कि हक्कानी ग्रुप है, उनके बीच गोलीबारी की खबरें आई थी। बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बड़े सलीके से छापा था, जिसमें ये खबरें कम से कम पुख्ता हुई थी कि दोनों के बीच झगड़ा जरूर हुआ था। हालांकि बाद में उसको सुलझा लिया गया, लेकिन उसके बाद जो निचला स्तर का जो कैडर है उसमें भी जबरदस्त हमें इस तरह की खबरें देखने को मिली कि किस तरीके से जो निचले दर्जे का जो कैडर है तालिबान का, वो पाकिस्तान के खिलाफ, अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब इस जीत के बाद अब वो पाकिस्तान की तरफ अपनी बंदूकों का रुख मोड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और निचले दर्जे के जो तालिबान हैं वो इस कोशिश में है कि एक लिस्ट बनाई जाए और किस तरीके से हमले पाकिस्तान की तरफ किए जाए। इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियोस सामने आए थे और इसका असर अब धीरे धीरे दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि टीटीपी ने पिछले एक महीने में, डेढ़ महीने में जिस तरीके से हमलों में तेजी बढ़ा दी है और उसका जवाब देने के लिए तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इस्लामिक स्टेट जो वहां पर काम कर रहा है, दूसरा आतंकी संगठन, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की पाकिस्तान के दबाव के चलते, लेकिन उसका कोई ज्यादा नतीजा नजर सामने आता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि तालिबान को अफगानिस्तान पर बैठाने के बाद वहां पर जो टीटीपी और जो आईएसआई इस्लामिक स्टेट का जो ग्रुप था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्रिय हुआ है। और चूंकि तालिबान और इस्लामिक स्टेट और तालिबान और टीटीपी के बीच भी आप झड़प की खबरें आ रही हैं, तो उससे पाकिस्तान का और नुकसान होगा। इसका सीधा नतीजा हमें ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान में जो हमले बढ़े हैं, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की क्रिकेट जो टीम थी वो अचानक दौरा रद्द करके वापस चली जाती है। उसके बाद इंग्लैंड का जो दौरा होने वाला था वो भी अपना दौरा बिना बताए, पाकिस्तान को बिना सूचना दिए, वो रद्द कर देती है और पाकिस्तान को खबरों के जरिए ये पता चलता है। तो इस तरह की चीजों से पाकिस्तान को दो चार होना पड़ रहा है, इस तरह का रिपरकशन झेलना पड़ रहा है। अब जो सबसे बड़ा रिपरकशन तालिबान के पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जो पाकिस्तान को झेलना पड़ा है वो है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि पिछले 15 दिनों में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, जिसको देखकर लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। खासतौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने किस तरीके से उसको आइसोलेट किया है। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूजीलैंड की टीम या इंग्लैंड की टीम बिना बताए पाकिस्तान छोड़कर चली जाती है, अपना दौरा रद्द कर देती हैं और उसके बाद पाकिस्तान से बात तक नहीं करती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद उनके हेड ऑफ स्टेट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात तक नहीं करते, उनका कोई मौकिफ सुनने से मना कर देते हैं। ये सिचुएशन है। 27 सितंबर को एक लेटर सामने आता है, वो लेटर शाह महमूद कुरैशी ने लिखा है अमेरिका में, जो एम्बेसडर उनका है असद खान, असद खान को एक लेटर वो लिखते हैं। इस लेटर्स की अगर आप लैंग्वेज को देखें, भाषा को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान किस दलदल में फंसा हुआ है और किस तरीके से निकलने के लिए बेचैन है। दरअसल आप जानते हैं कि जब से जो यूएस का प्रेसिडेंट है जो बाइडन वो राष्ट्रपति बने हैं, वो तमाम देशों के हेड ऑफ स्टेट से, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं दुनिया में,
उनके हेड ऑफ स्टेट से बातचीत कर चुके हैं, उनको फोन कॉल कर चुके हैं, पीएम मोदी से वो दो तीन से तीन बार वो फोन कॉल पर बात कर चुके हैं, एक बार मुलाकात भी कर चुके हैं यूएन में, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उन्होंने एक बधाई संदेश तक भी स्वीकार नहीं किया, उनके एक बार भी फोन नहीं किया। और इस फोन कॉल के इंतजार में पाकिस्तान इतना दुबला होता जा रहा है कि सिचुएशन ये है कि गुस्से में आकर श्याम उम्मीद कुरैशी ने एक पत्र वहां के एम्बेसडर, अपने एम्बेसडर यानी पाकिस्तान के एम्बेसडर असद खान को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान की, वो बड़ा कंसर्न है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान की जो जो एम्बेसी है उनकी इनएबिलिटी पर वो सवाल खड़े करते हैं, यहाँ पर नजर आते हैं कि किस तरीके से वो दोनों देशों के बीच ऐसा डिप्लोमेटिक एनवायरमेंट क्रिएट करने में नाकाम रहे हैं और दोनों देशों के बीचों बीच हेड ऑफ स्टेट और पाकिस्तान के जो जो बाइडन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत को फैसिलिटेट करने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब हमने पाकिस्तान के में तालिबान के को लाने में और अफगानिस्तान में इतना अहम रोल, इतना बड़ा की रोल निभाया है, तो उनको उम्मीद थी कि पूरी दुनिया इसमें उनका साथ देगी, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान के प्रति जो यूएस का रवैया है वो कतई भी नरम नहीं पड़ा, वो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ा। ये बेहद शर्मिंदगी की बात है। और पीएमओ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, इमरान खान का जो ऑफिस है, वो इससे बड़ा नाराज है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार दोस्ताना कोशिशें होती रहीं, इस तरह के साइंस दिए जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उधर से कोई जवाब नहीं मिला, उधर से कोई माकूल जवाब नहीं मिला। इससे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक स्तर पर बेहद कमजोर नजर आता है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट के को सलाह देने वाले व्हाइट हाउस स्टाफ के की रहमो करम पर यहां पर खड़ा नजर आता है पाकिस्तान। तो इसीलिए इन हालात को सुधारने के लिए पाकिस्तान के एम्बेसी को स्ट्रेटेजिक लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर तमाम कदम उठाने चाहिए और वो इसके लिए उठाएं। नीचे शाह महमूद कुरैशी साइन उनके हैं और बाकायदा ये लेटर वो असद खान को लिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि असद खान इसको यूएस में इस लेटर को लीक कर देते हैं और वहां के मीडिया में और पूरी दुनिया के मीडिया में ये लेटर बड़े तसल्ली से छापा जाता है, चस्के लगाकर कि भाई देखिए किस तरीके से शाह महमूद कुरैशी अपने एम्बेसडर को झाड़ रहे हैं कि भाई क्यों आखिर जो बाइडन उनके प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन कॉल तक नहीं कर रहे। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। लेकिन जगह जैसा कि होना था, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस लेटर को सिरे से नकार दिया, हर एक स्तर पर इसको नकारा गया, सोशल मीडिया पर भी इसको उनके जो सिंपथाइजर्स हैं उन्होंने इसको पूरी तरह से नकारा, हमारे यहाँ जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं उन्होंने भी इसको नकारते हुए कहा कि भाई ये झूठ है। आप सोचिए कि किस तरीके का नेटवर्क, कम से कम ये तो दाद देनी पड़ेगी कि जो फॉरेन अफेयर्स है पाकिस्तान का, कि यहाँ पर ऑल्ट न्यूज वाले भी उनके लिए खबर का जो मजम्मत है वो करते नजर आते हैं। इसके अलावा पिछले एक हफ्ते में एक और बड़ी घटना हुई, वो ये थी कि यूएस की डेप्यूटी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन वो पहले इंडिया आई, इंडिया के बाद वो पाकिस्तान भी गई। पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि वेंडी शर्मन आ रही हैं तो डिप्लोमेटिक स्तर पर कुछ सरगर्मी बढ़ेगी, बातचीत होगी और बात इस हद तक आगे बढ़ेगी कि जो बाइडन कम से कम एक कॉल इमरान खान को कर रहे। लेकिन हुआ ये कि एक दिन पहले जब वो वेंडी शर्मन पाकिस्तान जाने वाली थी, उससे पहले मुंबई में इंडिया में एक कार्यक्रम में उन्होंने पहले ही इस इवेंट की, इस मीटिंग की टोन सेट कर दी। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान बेहद एक सीधे सपाट मकसद के लिए, छोटे से मकसद के लिए जा रही हूं, उसमें ऐसा नहीं है कि हम दोनों देशों के बीच किसी तरह की कोई रिलेशन को बिल्डिंग यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन को किसी तरह का आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, उसको दोबारा से रिबिल्ड किया जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका सीधा मकसद अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर है, तालिबान की सिचुएशन को लेकर है, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन से वहाँ होने वाले आतंकी गतिविधियों का पूरा असर पूरी दुनिया पर ना पड़े, इसकी खबर लेने के लिए वो पाकिस्तान जा रही हैं। दोनों देशों के आपसी संबंधों में इस मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है। डिप्लोमेटिक स्तर पर किसी भी
ये कहें कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की इस तरह की भाषा पूरा टोन सेट कर देती है। हुआ ये कि कराची में वेंटी शर्मन को मिलना था इमरान खान से, इमरान खान इतने नाराज हुए इस भाषा से, वेंटी शर्मन के बयान से, कि उन्होंने मीटिंग रद्द कर दी। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी को आखिरकार वेंडी शर्मन से मिलना पड़ा और बताना पड़ा कि भाई दरअसल वो अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए कर क्या रहे हैं, इससे यूएस को नुकसान ऐसे होगा, फायदा ऐसे होगा, इस तरह की चीजें समझाने की कोशिश की। वेंडी शर्मन ने उनकी बात सुनी और वो चुपके से निकल ली। यानी किसी तरह की गर्मजोशी, किसी तरह के रिलेशन में आगे बढ़ने की बात इस हवाले से भी यहां पर नजर नहीं आती है। इससे साफ पता चलता है कि यूएस किस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट करने वाला है। बड़े बड़े शार्प शब्दों में, कि उन्हें बड़े शफाफ अंदाज में कह दिया कि किसी तरह की कोई नो स्ट्रेटेजिक बल्कि एक ट्रांजिशनल रिलेशन में वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान से वो निकले हैं। अब वो थोड़ा सा उसके बारे में सोच रहे हैं कि फिर से वहाँ आतंकवाद ना पनपे और वो उसका पूरी दुनिया पे असर ना पड़े, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का जिक्र भी किया और उन्होंने बड़े साफ तरीके से कह दिया कि उनके जो उनकी जो जो आने वाला भविष्य है, उनके जो मौकिफ हैं, वो इंडिया के साथ लाई करते हैं, इंडिया के साथ रहने में है, ना कि पाकिस्तान के। तो इससे भी पाकिस्तान की सिचुएशन, मौजूदा सिचुएशन वो नजर आती है कि पाकिस्तान किस स्थिति में फंस चुका है। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान को, तालिबान को कोई डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं, तालिबान को कोई डॉलर्स का फायदा नहीं, तालिबान के पास एक्सपीरियंस नहीं है मुल्क को आगे ले जाने का, बल्कि वो 1400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, कबाइली सोच उनकी है। तालिबान के पास किसी तरह के ट्रेड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तालिबान के पास पाकिस्तान के अलावा कोई दोस्त नहीं है। ऐसे में जिस केओस में अफगानिस्तान है, क्या वो इसको सही तरीके से आगे लेकर चल पाएंगे? यकीनन नहीं, कोई भी मुल्क नहीं चल सकता बिना किसी ये कहें कि इंटरनेशनल कमेटी के साथ आए बिना। ऐसे में ये तय है कि अफगानिस्तान में केओस होना ही है। इस केओस का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान जो पहले से ही कर्ज तले दबा हुआ है, चौतरफा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, जिसको पहले से ही कोई नहीं पूछने वाला, यहाँ तक कि उसका दोस्त चीन और टर्की भी उसको नहीं पूछ रहा, और जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी एक तरफ उनको डंप कर दिया है कि भाई आपकी आपका जो दुख दर्द है, आपकी जो मुसीबतें हैं, वो आपके सर मत थे, हम उसमें बीच में नहीं आने वाले। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी खबरों के बीच जब ये खबरें आएं कि तालिबान के कैडर में पाकिस्तान के खिलाफ धीरे धीरे जो सुरहाट है वो धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी है, निचले कैडर पे किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा उसका नतीजा आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो जो डेवलपमेंट आगे होगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। देखते रहिए जय के नाम। नमस्कार।